अच्छा सर, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का स्क्रीन लेजिबल है? हाँ, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं एक लैपटॉप लाइन कर रहा हूँ. इज इट फाइन नाउ? अब बेहतर है, आप लोग लिख भी सकते हो मेरे ख्याल से, और ये मेरे ख्याल से ये क्लास ज्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल भी है, तो आइंदा जो हम लोग की नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो यहीं कंडक्ट कर लेंगे, क्या बोलते हो? सही है ना? अच्छा सर, देखो यार, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक इंशाल्लाह, फिर हम लोग जो है मैं कोशिश करूंगा, आज तो नहीं, आज तो टाइम कम है क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे भी बच्चे हैं. हाँ रजा, रिव्यू एथिक्स का दे दूं? ओके सही है, ठीक है. अच्छा यार रजा, व्हाट यू से, अगर हम लोग, मैं अगर आपसे रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूं, अगर एक दफा वो सुन लो तो कैसा रहेगा? उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज अवेलेबल, व्हाट यू से, एक दफा रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देख ले, अगर स्टिल उसके बाद कोई मसला होता है ना तो फिर मैं लाजमी डिस्कस कर लूंगा तुमसे, ठीक है? बल्कि अपना मासूम सा बच्चा है, मैं कर भी देता हूँ बच्चा, ठीक है ना बच्चों? ये सबका अच्छा हो जाएगा देखो, क्योंकि ये 5 से 7-8 मार्क्स का तो आता ही आता है. तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे पहले मैंने तुम्हें प्रिंसिपल्स बताए थे, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव गॉट 5 प्रिंसिपल्स, राइट? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जैसे मैंने मुसलमान होने की एग्जांपल दी थी. मगर अगेन, ये प्रिंसिपल्स पूरे ना हो, ब्रीच हो, उसके लिए जो है कुछ रिस्क होते हैं, थ्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, थ्रेट्स टू पीस प्रिंसिपल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सीईओ मुझे जो है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हसन मारफानी जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% देर को बोनस मिलेगा, राइट? सो आई वुड बी लाइक, I would be driven with my wishes के मैं शायद अपने profit को जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ाऊँगा because of the threat, self-interest threat. उसकी वजह से कौन सा principle hit हो रहा है? Integrity वाला. मैं झूठी चीज़ें पेश कर रहा हूँ, मेरी objectivity भी impair हो सकती है. सही है ना रजा? Any question? आगे. अब देखो, अच्छा देखो, मैंने पहले भी बताया था कि ये एक जो है ना बहुत बड़ा misconception है एथिक्स में. बच्चों को ये बोला जाता है जो तुम ऑडिट में पढ़ते हो ना वही एथिक्स है, ऐसा नहीं. जब तुम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ोगे ना, यू हैव गॉट 2 पोर्शंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. अगर अभी अभी तो टाइम नहीं है मैडम, मैं तुम लोगों को दिखाता, सही है? तो जो है, अब कोड ऑफ एथिक्स के 2 पोर्शन है, एक है एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस, और एक है एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इन प्रैक्टिस. अब तुम्हें, मैं बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ. तो सर, इन प्रैक्टिस और नॉट इन प्रैक्टिस का क्या मतलब है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो फर्म में काम कर रहे होते हैं, ऑडिट फर्म्स में होते हैं, वो इन प्रैक्टिस कहलाएंगे, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो फर्म में काम नहीं कर रहे होते, इंडस्ट्री में आ जाते हैं, वो नॉट इन प्रैक्टिस कहलाएंगे. क्योंकि देखो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ मेंबर ऑफ IFCAP, आई हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सही है ना? तो अपहोल्ड द प्रिविलेजेस, और आई वुड से जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं अपने इंस्टीट्यूट की, मैं उसको जो है एक अप टू द मार्क, आई एम द टेक्निकली आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IFCAP एज वेल, ठीक है ना? तो मेरे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, मगर मेरे ऊपर इन प्रैक्टिस वाला अप्लाई नहीं होगा, नॉट इन प्रैक्टिस वाला अप्लाई होगा. अभी आप ऑडिट पढ़ रहे हो या अकाउंटिंग पढ़ रहे हो? अकाउंटिंग पढ़ रहे हो. तो यहाँ बीइंग एन अकाउंटेंट आपके ऊपर ये वाला एथिक्स अप्लाई होगा, तभी आपको ये वाला एथिक्स पढ़ाया जाता है. जो तुम ऑडिट में पढ़ते हो वो इन प्रैक्टिस वाला, वो ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है, सही है? वो जो तुम उधर पढ़ रहे होते हो वो ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, यहाँ तुम एज अ मैनेजमेंट पर्सन पढ़ रहे होते हो कि बीइंग अ मैनेजमेंट तुम्हें किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, या तुम्हें तुम्हारे नफ्स की गलत चीजों में नहीं आना कि यार अगर प्रॉफिट बढ़ा के दिखाएंगे तो बोनस होगा, उससे हमें फायदा होगा, सही है ना? ये बीइंग अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव. बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह. अब पानी है मेरे पास, थैंक यू. फॉर एग्जाम्पल, बींग अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मुझे काफ़ी टिप्स मिलती भी हैं, बाज़ूकात मुझे पता होता है कि मेरी कंपनी की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है कम होने वाली है, तो मैं चाहूँ तो मैं अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी वाले प्रिंसिपल को ब्रीच करके ट्रेडिंग करके कमा सकता हूँ, मगर कोशिश करता हूँ अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचाए, हराम तो हराम है, ठीक है? तो क्योंकि एक तरीके से मैं पब्लिक को धोखा दे रहा हूँ ना, सही? तो सुरन मैं भी पब्लिक ही हूँ एक तरीके से. तो खैर, ये एक डिफरेंट डिबेट है, हम लोग फिर उसमें. हाँ रजा, कोई सवाल? तो वो भी नॉट इन प्रैक्टिस होता है, वो भी
अगेन पहला सवाल सर, ये जो इंटर्नीज हो गए, ट्रेनीज हो गए, क्या उनके ऊपर अप्लाई होता है? नहीं, कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। वालेकुम सलाम। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बंदा होता है जो मेंबर हो। अब जो मेंबर होगा उनके ऊपर अप्लाई होगा। एनी अदर क्वेश्चन? आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जाहिर सी बात है, रूल्स होते हैं, उसका ब्रीच होता है, उसके लिए जो है सेफ गार्ड्स होते हैं। ये बड़ा एक नॉर्मल सा फितरी उसूल है। सिमिलरली यहाँ भी वही उसूल अप्लाई किया। देर आर सम रूल्स, देर इज अ रिस्क दैट दीज रूल्स वुड बी ब्रीच्ड। इन ऑर्डर टू मिटिगेट दीज थ्रेट्स टू एक्सेप्टेबल लेवल, ये तुम्हारी ऑडिट की जबान बोल रहा हूँ, सेफ गार्ड्स अप्लाई करते हैं। सही है। वो सेफ गार्ड्स अब दो लेवल पर हो सकते हैं, या तो इंस्टीट्यूट खुद लगाएगा, या फिर आपका जो वर्क एनवायरमेंट है वो लगा रहा होगा आप पर। इंस्टीट्यूट खुद कैसे लगाते हैं? जैसे CPDRs, यानी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ मेंबर ऑफ ICAP, आई हैव गॉट द रिस्पांसिबिलिटी कि मैं एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स जो है ना वो पूरे करूँ, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? जैसे ICAP है, वो अपने साथ अगर किसी को एसोसिएट करता है तो बाकायदा तो उसकी एक ग्रेड है कि यार सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, ठीक है, एक बड़े लेवल पर। तो ये भी एक तरीके से है, एक कंट्रोल लगाया हुआ है, सेफ गार्ड। बाजूकात वर्क एनवायरनमेंट में भी जो है तुम्हारे सेफ गार्ड्स लगते हैं। जैसे हम उसी बंदे को ये रखेंगे जिसने जो है CA किया हुआ हो, ट्रेनिंग की हुई हो फर्ग्यूसन से या EY से। बाजूकात लोग कंट्रोल लगाते हैं। जैसे मेरे पास जो है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो है एम्प्लॉयर से भी ताल्लुक होता है, एम्प्लॉई से भी ताल्लुक होता है, तुम लोग माशाल्लाह अभी क्वालिफाई हो गए, तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हो गए तो मुझे बता देते हैं, ऐसा नहीं यार देख हमें Big 4 से चाहिए बंदे, तो मैं उनको फिल्टर आउट करके देता हूँ। ये क्या, ये कंट्रोल है। अब तुम उसको परसेप्शन कह लो, जो भी कह लो, मगर कंट्रोल है कि हाँ यार फर्ग्यूसन वाले बंदे होंगे या EY वाले बंदे होंगे तो वो अच्छे होंगे, या KPMG वाले होंगे, व्हाटएवर द केस इट इज। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? दिस इज कंट्रोल। विसल ब्लोइंग पॉलिसी, ये लफ्ज सुना है, विसल ब्लो करना। विसल ब्लो करना, अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मेरे नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन बेचारों की हमारे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डर लगेगा उनको कि यार हसन मारफानी के खिलाफ कभी नहीं बोलना, वरना वो हमारा करियर खराब कर देगा। मगर मैं अगर कुछ गलत हरकतें कर रहा हूँ या अनएथिकल हरकतें कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है, नहीं यार विसल ब्लो करनी चाहिए, एनोनिमसली इसके हायर अथॉरिटी को बता दो, यू कैन डू दैट, दैट्स अ कंट्रोल। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मेरी बैंक इस्लामी में ओपन विसल ब्लोइंग पॉलिसी, कभी भी उस बंदे का नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, बल्कि उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, दैट्स अ कंट्रोल, ताकि कोई अनएथिकल प्रैक्टिस को रोका जाए। आई होप आपको क्लियर है। बाजूकात कुछ कंपनीज होती हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स को या प्रोफेशनल बिहेवियर जो है उसको मेंटेन करने के लिए बोलती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हमें MBA भी चाहिए, कि वो बंदा जिस MBA किया हुआ और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, हमें वैसा बंदा चाहिए, दैट्स अ कंट्रोल, राइट? तो दिस इज सेफ गार्ड। तो ये मैंने तुम्हें सिर्फ जनरली एक सेफ गार्ड आर टेक्निकली कंट्रोल्स, राइट? हाँ, पूरी कंपनी को नहीं बताएंगे ना, खामोशी से दे देंगे ना, यार ये ले लिफाफे। अब देखो, मैंने तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, ये चीज याद रखना, ये चीज उनकी मर्जी होती है जिस चीज। मुझे एक बात बता, तेरी जान को खतरा है, तू उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो चीजें लगाएगा ना, तो समझ ले एक रिस्क है कंपनी को। अब उसको खत्म करने के लिए वो जो लीगल कंट्रोल लगा सकती है ना, वो उसके लिए सेफ गार्ड है। आसान सी जबान। अच्छा, मैं बातें करता हुआ किसी को भी नहीं देखूंगा, मेहरबानी करके, सही है? क्योंकि एक चीज मैं तुम लोगों के लिए जो है, तुम लोगों के लिए रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि तुम लोग माशाल्लाह सब जो है मेरे साथ तआवुन करोगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है, जो कि अगर तुमने पास पेपर्स गो थ्रू किए हो, वैसे तो तुम लोग मसरूफ होते हो, जरा हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से कितने बच्चों ने जो है पास पेपर सारे गो थ्रू कर लिए हैं, उसके सॉल्यूशन भी मैं दे चुका हूँ, बताओ। FR2 एथिक्स, एथिक्स किसने किए एथिक्स के, हाथ उठाओ। हाँ वो अच्छी बात है, मगर अभी एथिक्स की बात हो रही है ना, ये देख लो, माशाल्लाह तुम लोगों की मसरूफियत इसी से ही पता चलती है। हाँ,
यानी मैं रोज तुम लोगों को वॉइस नोट एक दिन छोड़ के एक दिन तो भेजता ही हूँ, स्पेसिफिकली बोला। ये तो तुम्हारा हडरामी का लेवल है, यानी तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? किसी ने भी नहीं किए, मैं क्या बात करूं तुम लोगों से। खैर, FR2 की अगर मैं बात करूं, ये एथिक्स की अगर मैं बात करूं, सही है। देखो, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इन प्रैक्टिस या बीइंग ऑन द मैनेजमेंट साइड, एक काम है तुम्हारा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स, अगर तो तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स विच गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट्स इट। या दूसरी जबान में, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर जाहिर सी बात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ सम थ्रेट्स। वो थ्रेट या तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी होगा, मेरा बोनस प्रॉफिट से लिंक्ड है, या सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी होगा कि यार मेरे ही काम को बोला जाए कि चेक करके दो, मैं कभी की भी गलती, या फेमिलियरिटी थ्रेट होगा, डायरेक्टर फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई है या मेरे अब्बा है, बोले ऐसा नहीं यार ये कर दे, अब्बा की इज्जत है, करना पड़ेगा। समझा नहीं समझ रहे? अब उन थ्रेट्स की वजह से मेरे जो प्रिंसिपल्स है ना, वो ब्रीच हो रहे हैं। तो सर, सेफगार्ड क्या होंगे? दो किस्म के सेफगार्ड हो सकते हैं। तो देख, सेफगार्ड जो हैं वो बेसिकली, मैंने तुम्हें ये आसान सा एक मंजन बता दिया था कि देखो यार, तुम थ्रेट का नेचर देखना, थ्रेट अपनी वजह से या किसी और की वजह से। अगर अपनी वजह से है तो तुमने कुछ नहीं करना, अपने आप को सुधार लो, थ्रेट खुद ही खत्म हो जाएगा। मगर अगर किसी और की वजह से ना, तो 5 स्टेप्स लेना। स्टेप नंबर 1, जो बंदा तुम्हें थ्रेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे CEO मुझे थ्रेट कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो मैं उनको बोलूंगा, मैं उनके साथ बात करूंगा, एक सेशन करूंगा उनके साथ कि सर देखें, मैं एथिकली भी मैं अलाउड नहीं हूँ, दीनी तौर पे भी अलाउड नहीं हूँ, चलो दीन को साइड पे करो, तो जो है बीइंग एन आईकेप का मेंबर, मुझे अलाउड नहीं है ये चीज़ें करना, मेरा ज़मीन नहीं मानता। अगर वो हडराम है CEO, तो मैं हायर अथॉरिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल या तो बैक होगी, बोर्ड ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड होगी, या फिर जो है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनसे मैं बात करूंगा। अगर वो भी हराम निकलेंगे, स्टेप नंबर 2 था ये, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा चलो सही है, मैं इस इंफॉर्मेशन से अपने आप को डिसोसिएट कर लेता हूँ, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, चिड़िया नहीं बिठाऊंगा, डिसोसिएट कर लेना। तो तुम फाइनेंशियल बनाते हो ना, तो तुम देखना CFO बाकायदा साइन करता है, मैं साइन नहीं करूंगा। CFO सही, मैं साइन नहीं कर रहा सर, मैं आपके साथ हूँ मगर मैं साइन नहीं करूंगा। या प्रोस्पेक्टस पे भी साइन की जरूरत होती है, बोलूंगा मैं साइन नहीं कर रहा, मगर अगेन देयर इज अ रिस्क कि मेरा जीना आराम हो जाएगा। इज अ फोर्थ स्टेप, आई कैन कंसिडर रिजाइनिंग, चल भाई रिजाइन कर देता हूँ। ऐसे लोग करते भी आजकल की दुनिया में पाए जाते हैं, लोग होते हैं ऐसे। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज पब्लिक के इंटरेस्ट में थी, लिस्टेड कंपनीज के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी लास्ट क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करवा रहा था पास पेपर का, उसके अंदर मैंने तुम्हें बोला था अल्लाह के बंदो देख लेना, अब कुछ बच्चे छापा खाना खोलते हैं, इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट कंसिडर कम्युनिकेटिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर भाई लिस्टेड कंपनी, तो सोचने की जरूरत नहीं है, हर जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट है, आपने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना। ये 5 स्टेप्स थे, ये जो सेफ गार्ड्स थे। फिर मैंने तुम्हें ड्राफ्टिंग का बताया कि देखो तुम ड्राफ्टिंग कैसे करोगे। हेडिंग नंबर 1, यू वुड बी मेंशनिंग द इशू, दिस इज ऑप्शनल, टाइम हो तो करना, नहीं हो तो नो नीड टू डू दिस, राइट। ऑप्शन नंबर 2, मैं ये शेयर कर दूंगा, मैं ये शेयर कर दूंगा। एनालिसिस में 2 बातें लिखनी है तुमने, थ्रेट्स लिखनी है तुम्हें, उस सिनेरियो में थ्रेट्स क्या है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। और सेफ गार्ड क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन या सेफ गार्ड। तो इस हेडिंग में, 3 हेडिंग्स में तोड़ के इसके सॉल्यूशन भी मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते आज जाके देख लेना, सही है। एथिक्स को एटलीस्ट, मेरी मेहनत को इतना ज़ाया नहीं करो, ये कोई नहीं पढ़ाता लिटरली, 2 जवाब अल्फाज होते हैं, ये ऑडिट वाला है, ये परलो हो जाएगा। या दूसरा जवाब होता है कि यार ये हैंड आउट्स ले लो सरसरी तौर पर, यार ये डेफिनेशन है खुद ही देख लेना, 5-8 मार्क्स का ये आता ही नहीं। हाँ तुम कर लो, कर लो, यस वही तो मेरी जान, तुम पास पेपर्स तो करो, तुम्हें रियलाइज होगा। मैं तभी तो तुम लोगों को 3-4 मैंने करवाए क्वेश्चन, बाकी 5-6 तुम लोगों को करने के लिए दिए, तुम करोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के दिन तुम लोग ये रात में लगाओगे, ये जलालत फील करोगे, ये जो मैंने तुम लोगों को मीठे मीठे अल्फाज में जलील किया है, ठीक है। और आज क्वेश्चंस को देख लेना भाई, मैं तुम्हें लिखने को भी नहीं बोला, सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को समझ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना और उसका सॉल्यूशन देख लेना, सही है। तुम्हें पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। अच्छा सर, लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक,
दिस इज आवर लास्ट टॉपिक आई एस ए. देखो यार, वेन एवर यू आर डूइंग एन अकाउंटिंग ना, वेन एवर यू आर डूइंग एन अकाउंटिंग, मुझे बताओ असर की जोहर की नमाज का टाइम कितने बजे तक है? 3:30. क्या हो गया? वाकई नहीं भाई, असर की नमाज में जोहर की बात वो एल हदीस वाली चलो सही 4:43 पर है ना, मतलब 4:30 तक टाइम है. चलो यार आ जाओ प्लीज. देखो यार, अब जब भी तुम अकाउंटिंग करते हो ना, तो देखो तीन किस्म की चीजें होती हैं जो तुम्हारे सामने आ रही होंगी. प्लीज मुसव्विर बेटा इधर सुन ले, तीन किस्म की चीजें होंगी जो तुम्हें डील करनी होंगी. एक होता है एस्टिमेट, एक होता है पॉलिसी, और एक होता है एरर. सर ये होता क्या है, भी इसको छोड़ दो, गरक करो, थोड़ी देर के लिए समझ लो, बातचीत करते हैं. सर एस्टिमेट क्या होता है? जब भी तुम अकाउंटिंग कर रहे होते हो, तो क्या तुम एस्टिमेट कर रहे होते हो? या ऑडिट में एक रीजन, ऑडिट में एब्सोल्यूट अश्योरेंस इस वजह से नहीं दी जा सकती क्योंकि ऑडिट जिस चीज का हो रहा है वो खुद ही एस्टिमेट पर है, वो खुद ही कंफर्म नहीं है. आई एम श्योर तुम्हारा रिलेवेंट टीचर तुम्हें एग्जांपल देता होगा कि ऑडिट की जो इनहेरेंट लिमिटेशन है, रीजनेबल अश्योरेंस क्यों देते हो? इसकी पहली रीजन ये, जिस चीज का ऑडिट कर रहे हो वही कंफर्म नहीं, तो ऑडिट कैसे कंफर्म हो सकता है उसका? तो सर मुझे जल्दी से बताओ कि जब तुम अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो एस्टिमेट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे किस्म के एस्टिमेट्स होते हैं. चलो एग्जांपल दो, शाबाश. बैड डेट्स, अमेजिंग. इंपेयरमेंट होगी, इंपेयरमेंट दैट्स एन एस्टिमेट. डेप्रिसिएशन, इट्स एन एस्टिमेट. फेयर वैल्यू, नहीं. और प्रोविजन, हम लोगों ने अभी पढ़ा, प्रोविजन भी तो एस्टिमेट ही है भाई. और क्या है? दीज आर द एस्टिमेट्स. सर एरर, एरर क्या होते हैं? गलती, गलती से गलती, एरर जानबूझ के गलती, फ्रॉड. अब सर पिछले सालों में कोई गलती हो गई थी, मुझसे कोई चीज एस्केप हो गई. फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंस था, बुक करना भूल गया 3 साल पहले, आज पता चल रहा है, तो भाई मैं छोड़ूंगा तो नहीं ना, मैं एक्सपेंस तो बुक करूंगा. या कोई इनकम थी 10 साल पहले जो है मुझे बुक करनी थी, मैं बुक करना भूल गया, एक्रूवर मारना भूल गया मैं. बाजूकात हो जाता है यार, इतनी मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, अब आज पता चल रही है, तो यार एरर को सही तो करना है ना, तो कैसे करेंगे? बात करेंगे उसके ऊपर, इट डिपेंड्स, हमें नहीं पता अभी. अभी तो हम समझ रहे हैं ना कि है क्या चीज, करना क्या है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट डिबेट. सर पॉलिसी प्लीज, पॉलिसी क्या है? क्या है समझाओ. जैसे आपकी डेप्रिसिएशन है, एग्जांपल नहीं तो समझाओ. जैसे हम लोग एस्टिमेट इज कॉल्ड, हम लोग वैल्यू करते हैं. एग्जांपल नहीं दो समझाओ, होती है ये पॉलिसी होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप पे बनानी है. अगर आपको फेयर वैल्यू पे बनानी है, आपको रिवैल्यूएशन पे बनानी है, तो वो आपकी जो पॉलिसी होती है वो आप कंसिस्टेंटली वही हो. सब मेरा वर्किंग लिमिटेशंस वगैरह सब चीजें एस्टिमेट कैसे लगाएंगे मेरा प्रोविजन से सारा 1-2 साल ये समझ. ओके सही. हां भाई तुम दोनों किसकी जिस टाइटल पे हम अकाउंटिंग कर रहे हो. ओके सही. एनी अदर इनपुट? हाँ भाई अमन, पॉलिसीज क्या होती है? रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने डिवाइस की केस के मुताबिक है, कस्टम लॉ ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. ओके देखो यार, तुम लोगों ने ना किसी हद तक, कुछ बच्चों ने एग्जांपल दी, कुछ बच्चों ने जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम से, कुछ मोहतरमाओं ने पैटर्न के नाम से उसे बताया, ठीक है. अलग अलग तुम लोगों ने मुझे बातें बताई, मोर और लेस सही थी. समझो पॉलिसीज आर द रूल्स जिसकी बेसिस पर तुम अकाउंटिंग करते हो. अब सर एस्टिमेट भी तो है, पॉलिसी और एस्टिमेट में क्या फर्क है? आसान सी चीज याद रखना, पॉलिसी में ना तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, एस्टिमेट में अपनी मनमानी नहीं कर सकते. पॉलिसी में तुम्हारी मर्जी होती है, जो करना है करो. अकाउंटिंग एस्टिमेट में तुम्हारी मनमानी नहीं होती, तुम्हारी मर्जी नहीं होती, याद रखना. फॉर एग्जाम्पल सुनो, बताता हूँ. एग्जाम्पल सर, कॉस्ट मॉडल यूज करना है या फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है, ये रूल है, ये एस्टिमेट नहीं है. तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टिमेट? पॉलिसी. सुनना 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 सुनना, पूरी इंडस्ट्री, लेट्स से मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पीपीई के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूँ, कोई मुझे कह रहे हैं क्वेश्चन, नो दैट्स माय रूल.
allowed by IRS, no one can stop me from adopting revaluation model for my TV, right? As far as it is allowed by the relevant standard, no one can stop me from doing that. Similarly, for example, place. For example, तुम्हें पता है IS2 inventories के अंदर we have got FIFO method, we have got weighted average method. FIFO use करना या weighted average method use करना, is it a rule or an estimate? It's a rule. It's policy. पूरी industry जो है FIFO use कर रही है, but I'm using weighted average. Can anyone stop me from going down? No, no one can stop me. Auditor can not question my rule. As against to this, for example, मैंने ये AC खरीदा. मेरी पूरी इंडस्ट्री जो है एसी को जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री का मतलब पेंटिंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री जो है लेट्स से इस एसी को 10 सालों पे डिप्रिशिएट करती है कितने सालों पे करती है ये जो 10 साल है इज इट अ रूल और एस्टीमेट अब इसका क्या इलाज है अनम्यूट कर दो सही हो जाएगा कोई सही वाला बताओ यार कोई सही वो तो फिर मेरे लिए बहुत बेड सीन हो जाएगा ना अनुषा बेटा आवाज समझ आ रही है नहीं आ रही सर आ तो रही है लेकिन बहुत गूंज रही है क्या तुम भी आई जाओ ना बेटे इधर सर कैसे हो आ जाओ 5 मिनट में नहीं सर नहीं आ सकती अच्छा चलो एक घंटे की वैसे ही क्लास है नेक्स्ट क्लास में कोशिश कर लेना कि आ जाओ ताकि फिर फिजिकल अभी अभी जो आप बोल रहे हैं ना ये बिल्कुल सही है अभी बीच में एको अच्छा अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है चलो ठीक है अच्छा यार मेरे ख्याल से वो मैं आगे जाता हूँ तो फिर वो थोड़ा सा मसला होता है अच्छा यार बात क्या कर रहे थे हम यार तुम लोग कोई सवाल कर रहे थे यार आयशा और अक्सा सही है प्लीज तो सर ये एस्टिमेट है मैं पूरी इंडस्ट्री यूज कर रही है यूजफुल लाइफ एस्टिमेट कर रही है 10 साल मैं एस्टिमेट करके बैठा हूँ 15 साल क्या ऑडिटर मुझसे सवाल करेगा वो बोलेगा भाई तू चरिया वरी है कि ये क्या कर रहा है इंडस्ट्री पूरी 10 साल एस्टिमेट कर रही है तेरा ऐसा कौन सा एस्टिमेट है नाउ यू गॉट द पॉइंट तो एस्टिमेट के अंदर आई एम बाउंड टू फॉलो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस आई कांट डेविएट फ्रॉम इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस आई नीड टू लुक आउट फॉर व्हाट माय relevant peers are doing with respect to accounting policy mein aisa nahi hoga I hope aapko clear hai policy ha sorry jaise depreciation ki do method do policy bilkul bilkul that's a policy accounting policy hum niche ke to decide kar sakte hain na lekin sabse kaun ki to main bolta hu bahut achhi cheez main idhar shriyan mone ek minute इस बच्ची ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी एक दफा मैंने यूज कर ली है पेपर में सवाल किया है तुम लोगों के एमसीक्यूज में आया है अच्छा बात तुमने पूछ लिया सर एक दफा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर ली सो कैन आई शिफ्ट टू एनी अदर पॉलिसी एक एग्जांपल दे देते ना फॉर एग्जांपल आई वाज यूजिंग कॉस्ट मॉडल अब मेरा दिल चाह नहीं यार आजकल मार्केट बड़ी तेज चल रही है फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर लो क्या मैं खुदक सकता हूँ फिर दो दिन बाद हाँ फिर दो हाँ उसको गरक कर वो बात की बात है पहले तो ये डिसाइड करें कर सकते हैं या नहीं उछल सकते हैं या नहीं उछलना कैसे वो बात की बात पहले तो ये डिसाइड करें ना अब सर एक साल गुजर गया हुजैफा के ऊपर एग्जांपल ले लो हुजैफा बोलता है नहीं यार फेयर वैल्यू में मजा नहीं आ रहा आओ वापस से कॉस्ट मॉडल पे जम कर जाते हैं क्या कर सकते हैं पता नहीं फिर एक साल और गुजरा बेचैन बच्चा है फिर बोलता है नहीं आओ एक काम करते हैं आधे को रिवैल्यूएशन पे करते हैं आधे को कॉस्ट पे करते हैं दोनों का मिक्स मजा ले क्या ये कर सकते हैं ये अच्छा सर सुन लो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सही आईएस 1 फिर 36 या 37 से वो हम लोगों ने पढ़ा था कंसिस्टेंसी वंस यू हैव अडॉप्टेड एनी पॉलिसी यू कैन नेवर चेंज दैट अनलेस एनी ऑफ द टू सिनेरियोस एग्जिस्ट सिनेरियो नंबर 1 If you can justify
दैट न्यू पॉलिसी इज बेटर देन एग्जिस्टिंग वन. या तो तुम ये जस्टिफाई कर लो कि नहीं पुराने से बेहतर है फिर कर लो, या फिर लॉ जो एग्जिस्टिंग है उसको मना कर दे, भाई ये तो तुम कर ही नहीं सकते. देन यू वुड हैव नो ऑप्शन देन टू शिफ्ट टू न्यू पॉलिसी, राइट. तो अगर तो दोनों में से कोई ये एक सिनेरियो है ना, फिर तो तुम शिफ्ट कर सकते हो. मेरे साथ रहो, अगर तुम कॉस्ट से फेयर वैल्यू पर जाना चाहते हो तो बताओ कर सकते हो. ये दो दो मुझे बताओ, लॉ दो यार, नहीं है. मगर मुझे बताओ फेयर वैल्यू ज्यादा बेहतर होती है कॉस्ट ज्यादा बेहतर? फेयर वैल्यू इज ऑलवेज बेटर देन कॉस्ट, क्योंकि फेयर वैल्यू आज की बात करती है. इसका मतलब है कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे आसानी से जा सकते हो. फेयर वैल्यू से कॉस्ट, अब बताओ फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे आ सकते हो या नहीं आ सकते? एक जल्दबाजी सर, क्या लॉ की आपने कोई बात की? लॉ बोलता फेयर वैल्यू यूज ही नहीं कर सकते. अगर तो लॉ ऐसा बोले फिर मैं कॉस्ट पे जाऊंगा. अब मुझे बताओ दूसरा, क्या फेयर वैल्यू, क्या कॉस्ट फेयर वैल्यू से बेहतर है? नहीं बेहतर. इसका मतलब फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे कभी नहीं. आई होप यू गॉट द आंसर. यही वजह है एमसीक्यूज में आया था कि वो फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाना चाहती है. तो वो ऑप्शन दिए थे कि यार वो जा सकती है, फिर ये जैसे कि यार जा तो सकती है मगर रेट्रोस्पेक्टिव. अबे भाई पहले तो ये डिसाइड कर जा सकती है या नहीं जा सकती. सर नहीं जा सकती, वजह क्या है? क्योंकि सर फेयर वैल्यू ऑलवेज गिव्स बेटर प्रेजेंटेशन देन द कॉस्ट मॉडल, राइट. आई होप आपको क्लियर. कोई सवाल? हाँ शेरिया सर, आपने जो एक एग्जांपल दियो 10 साल पे डेफिसिट करते हैं सर, तो ये तो कई लॉ वगैरह में भी नहीं लिखा हुआ क्या? ऐसी कुछ नहीं, सारे डेफिसिट करने लगे. और नंबर टू के जिसने फर्स्ट टाइम किया होगा उसने तो अपना खुद ही सोचा हो, सोच के इसके 10 साल की डेफिसिशन लगाई होगी ना, तो सर हम कैसे रोक सकते हैं उसे मुझे को 15 साल के? सही सही शेर यार, देखो मुन्ना एक बात बताओ, एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस होती है सही इसके ऊपर यानी लड़कियां बैठी हुई होना है बड़ी झूठ भाई मुझे याद दिला रहा है, ये बड़ा दिल कर रहा है मुझे बोलने का मोहतर मोहम्मद की वजह से. अबे यार मुझे एक बात बता, जब तू इंडस्ट्री की बात कर रहा है ना, तो बहुत सारी कंपनी है. देख दो बातें हो सकती है, या तो वो सारी कंपनीज गलत हैं जो सब रिलेवेंट 10, 9, 11 साल कर रही हैं, या तो तू गलत है. अब मुझे बता दे 15 कंपनी गलत होंगी जिसमें ऑडिटर भी जाके वेरीफाई कर रहा है, या तू गलत होगा? तू बोलेगे नहीं यार इस एसी में कोई टर्बो शर्बो लगाया हुआ है, पता नहीं कुछ ऐसी चीज लगाई हुई जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है. As far as you can convince your auditor, that's totally fine. मगर if I am saying कि यही सेम डब्बा हर जगह लगा हुआ है, फिर तू बोले नहीं मैं 10 की जगह 15 करूंगा, या 10 की जगह तू 5 भी करेगा ना, तो भी वो नहीं मानेगा. वो बोलेगा भाई क्या कर रहा है? यू नीड टू फॉलो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, राइट. एनी अदर क्वेश्चन? अब अल्लाह का शुक्र है हमें एस्टिमेट के हवाले से पता चल गया, एरर के हवाले से पता चल गया, पॉलिसी के हवाले से पता चल गया. अब हम समझते हैं सर उनके साथ करना क्या. मैं तो मैं वही मंजन सब ने लिखवा दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना तो तुम्हारा हर सवाल हो जाएगा. अच्छा सर देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है तुम्हारा एस्टिमेट जो है ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू चेंज. हमने पढ़ा था एस्टिमेट कभी भी चेंज हो सकता है, प्रोविजन कभी भी चेंज हो सकता है. अब सर सवाल ये पैदा होता है जब आप चेंज करोगे तो क्या क्या करना है? आपने चेंज करंट ईयर से करना है या पिछले सालों को भी चेंज करना है? द क्वेश्चन कम्स इन ना, क्योंकि सर एक सवाल पैदा होता है. मुझे एक बात बताओ कि जब भी चेंज आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो पुरानी चीजें हैं आप उसको भी चेंज करो, या फिर नहीं आप बोलो जो पुरानी चीजें हो गई हैं उसको छोड़ो आप आगे बढ़ो. तो सर बात करते हैं, स्टैंडर्ड ने बोला कि देखो जब भी एस्टिमेट में चेंज होगा ना तो आप पुरानी चीजों को नहीं छेड़ना, आप प्रोस्पेक्टिवली देखना कि प्रोस्पेक्टिवली इस साल और अगले सालों में क्या होगा. आपने पुरानी रिटेन अर्निंग को नहीं छेड़ना, आपने पुरानी बैलेंसेस को नहीं छेड़ना, एस्टिमेट के अंदर पुरानी चीजों को नहीं छेड़ना. आपने देखना है करंट ईयर में क्या होगा और अगले सालों में क्या होगा. मतलब आसान सी जबान में गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने. आई होप आपको क्लियर है. चेंज इन एस्टिमेट क्लियर है या नहीं?
कि चेंज इन एस्टिमेट के अंदर इंपैक्ट क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनको भी आपने रिवाइज करना, प्रोस्पेक्टिव का मतलब है प्रीवियस ईयर्स को रिवाइज नहीं करना। सर वो रिवाइज कैसे करेंगे ये अलग डिबेट है। सर अगर फॉर एग्जाम्पल एरर है, एरर तो एरर जो है, अच्छा मुझे ये बताओ ये जो एरर्स की बात हो रही है इस साल के एरर्स की बात हो रही है पिछले सालों पिछले सालों पिछले सालों के एरर्स की बात हो रही है इस साल के। अरे भाई इस साल का एरर है तो अभी सही कर दो, वो तो अभी सही कर दो, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। सर ये पिछले सालों के एरर्स की बात हो रही है। सर सवाल ये पैदा होता है पिछले सालों के एरर्स से मगर आइडेंटिफाई अभी हुए, तो अब आप जो अपनी इम्पैक्ट इसका लोगे इन एरर्स का वो इस साल में लोगे या फिर पिछले सालों में भी लोगे। सर इसका रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लोगे, मतलब आप इस एरर का जो इम्पैक्ट है वो पिछले सालों में भी लोगे। पिछले सालों का मतलब ये है कि जो चीजें आपने पिछले साल शो की थी उसको रिवाइज करोगे, रीस्टेट करोगे। कंसोलिडेशन में फेयर वैल्यू डिस्प्यूट होती है, वही बात होगी ना। सर दूसरी बात है चेंज एस्टिमेट से पूछना था, पीपी के हिसाब से बताया था कि कमिंग ईयर और करंट ईयर में पढ़ना पड़ता था, जिससे पीपी की लाइफ चेंज हो जाती है। तो हम लोग फर्दर रेट से करंट ईयर से आगे की बात कर रहे थे, वही वाली सिनेरियो होता था। तो इसके ऊपर और अध्ययन भी लिखा रिलीजियस वैल्यू में चेंज, प्रोविजन में चेंज। तो 100 मिलियन का बुक करके बैठा था, लॉयर तेरा बोलता है कि हसन भाई मुझे ऐसा लगता है 100 मिलियन की जगह 50 मिलियन जाएगा, तो यू वुड बी डिक्रीजिंग योर प्रोविजन बाय रुपीस 50। बैड डेट्स में चेंज, बहुत सारी हेल ऑफ एग्जांपल्स आ दिए। सर मेरे साथ हो या नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी सर रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है आप शो कर रहे हो कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल है वो सारी की सारी ऐसी है कि वो नई पॉलिसी की बेसिस पर है या उनमें एरर कभी हुआ ही नहीं था जितनी भी फाइनेंशियल का शो। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ये याद रखना, ये तुम्हारे इंटरव्यू में भी तुमसे पूछा जाएगा। मुझे बताओ कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना इज इट अ चेंज इन पॉलिसी और चेंज इन हिस्ट्री। दिस इज वाहिद एक्सेप्शन इन आईएएस, यहाँ आपको रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं लेना, प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लिख लो। वैसे पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू में भी सवाल होता है, बल्कि मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से आजकल मैं हायरिंग कर रहा हूँ, ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो मुझे सवाल तो पता ही नहीं होता। मैं यही घुमा कर आके अच्छा बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, इम्पैक्ट क्या लेते हैं, सब रटा रेट्रोस्पेक्टिव। फिर मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग पे जाएंगे तो बताओ चेंज इन पॉलिसी या चेंज इन एस्टीमेट है, सब कैसा बोलते हैं चेंज इन पॉलिसी। फिर एब्रप्टली बोलते हैं अच्छा मैं बोलता हूँ क्या इम्पैक्ट होगा तो सब कैसा बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। बहुत सारे देखो इंपॉर्टेंट नोट बाय एचएम, शिफ्टिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल, शिफ्टिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ पीपीई, शिफ्टिंग फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल इन पीपीई, cost model to revaluation model in PPE is a change in policy. But as an exception, the company may account for the change prospectively. जरूरी नहीं है कर सकते। सर इसकी वजह जानना चाहोगे? वो तो मसला नहीं है, बाकियों में भी तो कर ही रहे हो ना, पीको एपको में भी तो करोगे, इसकी वजह जानना चाहते हो। अच्छा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू पर जाने की तुम बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है अपने पिछले साल को भी तुम फेयर वैल्यू पे लाओगे? आज खड़े होकर पिछले साल की फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? इट्स डिफिकल्ट, कर तो लोगे मगर वो शायद इतनी एक्यूरेट नहीं होगी। सुनो दूसरी इसकी लिख लो, इंटरव्यू में ये भी सवाल कर सकता है और पेपर में भी आ सकता है। पहले कैसे सुन लो फिर छापना, पहले सुन लो,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तुम्हारे कोर्स में वरना जब सी फाइनेंस में था तो अगर होता तो मैं ये नहीं बताता, मगर चूंकि तुम्हारे कोर्स में तो मेरा बताना पड़ेगा, आ सकता है बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी दो मॉडल्स होते हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। सर अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो और अब आप फेयर वैल्यू पर जाना चाहते हो तो अब बताओ आप प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लोगे या रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट? वजह सुन लो हाँ कहाँ से निकालेगा मैं बता देता हूँ। सुन लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS-40 ये बोलता है कि चाहे आप कॉस्ट मॉडल यूज करो आपने फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करनी है। इसका मतलब है कि आप कॉस्ट मॉडल पे डिस्क्लोजर्स पढ़े थे ना, इसका मतलब है कि आप कॉस्ट मॉडल पिछले सालों में यूज कर रहे थे मगर फेयर वैल्यू तो डिस्क्लोज कर रहे होंगे ना, तो फेयर वैल्यू तो तुम्हें पता ही थी तो तुम तो अभी एक्सेप्शन नहीं ले सकते ना। लिख लो शिफ्टिंग हाउएवर द अबव एक्सेप्शन शैल नॉट अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। However, the above exception, ये बहुत कम लोगों को ये चीज पता होती है। However, the above exception shall not be applied to investment properties. वजह? सर वापस इसको आ रहा है। यार इस बच्ची का क्या करें हम? Shall not be applied. However, the above exception shall not be applied to investment properties. To? Investment properties, IS-40. वजह तुम्हें पता है ना कि क्यों अप्लाई नहीं होगी ना, इसके ऊपर फर्दर डिबेट करने की तो जरूरत नहीं है ना। या बोलो तो लंबी करवा दो, एक दो लाइन आगे लिखवा दो। हाँ चलो सही है, ठीक है। अच्छा सर तो ये हम लोगों ने बात कर ली, अब मेरे ख्याल से अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो मैं 5 मिनट में 4 रकात पढ़ के आता हूँ, सही है? मेरे वरना जोहर की नमाज निकल जाएगी। तुम लोग इंशाल्लाह थोड़े से ये दिमागी तौर पे बड़े हो जाओ ना सीए फाइनेंस वगैरह, और अगर तुम लोगों में से किसी को IFRS पे ग्रिप चाहिए ना तो जो है हम लोग IFRS पे जो ग्रिप लाते हैं ना ये मैनुअल्स पढ़ते हैं, जैसे ये फर्ग्यूसन का मैनुअल है तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स के ना डिफरेंट डिफरेंट मैनुअल्स पढ़े हैं तो इसके अंदर ये सारी टेक्निकल बातें लिखी हुई होती हैं प्रैक्टिकली। तो अगर किसी को शौक है तो बाद में मुझसे कॉन्टेक्ट करे तो ऑब्वियसली आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मैं तुम लोगों से शेयर करूँ ये चीज़।
पर अनुषा बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स से एसेट की कॉस्ट है 4 लाख, मैं बोलता हूँ 4 सालों पे डेप्रिशिएट होगा, 5 सालों पे डेप्रिशिएट होगा, सही है? गौर से सुनना, ईयर वन में कितना डेप्रिसिएशन आया होगा? 80,000। ईयर टू में कितना डेप्रिसिएशन आया होगा? 80,000। अब इसकी बुक वैल्यू ईयर टू के एंड पे, एट द एंड ऑफ ईयर टू, ऐसा है या नहीं है? अब ईयर टू के एंड पे मुझे बताओ, आज ईयर टू के एंड पे मैं खड़ा हूँ, मुझे बताओ रिमेनिंग लाइफ एज पर द ओरिजिनल एस्टिमेट कितनी है? 5 साल थी, 2 साल गुजर चुके हैं, तो कितनी है? मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो रिमेनिंग लाइफ है वो 3 की जगह कितनी हो गई है? 2। इसका मतलब है कि ये जो है चेंज इन एस्टिमेट है। अब मुझे ये 2.40 को ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स जो है वो डेप्रिशिएट नहीं करना, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स करना है। पहले जो हर साल का डेप्रिसिएशन था वो 80, अब जो डेप्रिसिएशन है हर साल का वो 120 हो गया है। इसका मतलब है देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट। अब सुनना, रिवाइज डेप्रिसिएशन जो आएगा वो कितना आएगा? 1,20,000। अब ये बड़ा आसान सा, इसमें मसला नहीं है चेंज इन एस्टिमेट में, तुम्हें एक मासूम सी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। आप कैसे शो करोगे? देखो मेरी बात सुनो, आप ईयर 3 में खड़े हो ना, अब आप ईयर 3 के अकाउंट्स बना रहे हो, ईयर 2 वुड बी योर प्रीवियस ईयर, जिसको आप कंप्लीट ईयर भी बोलते हो। ईयर 2 में आप देखो आप किस तरीके से दिखाओगे, ईयर 3 आपका जो है ऑब्वियसली अब करंट ईयर हो गया। ईयर 3 में आप देखो आप टोटल 120 दिखाओगे, सही है? कंपेरेटिव कैसे दिखाओगे? कंपेरेटिव चेंज आपका नहीं हो रहा, 80,000 ही आप दिखा रहे हो। अलबत्ता ईयर 3 में आप तोड़ दोगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन आप बता दोगे ओरिजिनल एस्टिमेट कितना था? 80,000। रिवाइज एस्टिमेट कितना था? 40,000। दैट्स इट। आप जो कंपेरेटिव बताओगे ना, कंपेरेटिव दिखाओगे, जैसे मैं आपको अगर ये बोर्ड पे दिखाऊं, नहीं डाउन किया तो सिर्फ बता रहा हूँ। फिर अच्छा सर, अब अगर आप एक बात नोट करो, आपने जो अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आप शो करोगे उसके अंदर आप क्या कर रहे होगे? उसके अंदर लेट से आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे होंगे ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आप पीएनएल बनाओगे, पीएनएल एक्सपेंस, व्हाट यू आर सपोज टू डू, लेट से ये है आपका ईयर 3 जिसको मैं CY2 बोल देता हूँ, करंट ईयर, और ये है आपका ईयर 2 कंपेरेटिव प्रीवियस ईयर, ठीक है? आप डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का दिखाओगे वो 1,20,000 दिखाओगे और इसका 80,000 ही दिखाओगे। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि आपका जो प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन है वो रिवाइज नहीं हुआ, उसको हमने नहीं छेड़ा, आपने जो सिर्फ इम्पैक्ट लिया है वो करंट ईयर में। फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन इफ यू वांट, तो व्हाट यू कैन डू, आप जो है ओरिजिनल एस्टिमेट बता दो, जो ओरिजिनली एस्टिमेट था 80,000 और जो रिवाइज एस्टिमेट की वजह से इम्पैक्ट आया है वो कितना आया है? 40,000। अच्छा मेरे साथ रहो एक मिनट, सिर्फ एक और डिस्क्लोजर जो तुम्हारा जाएगा चेंज इन एस्टिमेट में, जो नोट्स में जाएगा तुम्हारे नोट्स टू फाइनेंशियल्स में, वो आएगा इंपैक्ट ऑन करंट एंड फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट इंपैक्ट। अब मुझे बताओ ये जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन आया है कितने से?
40,000 से, इसका करंट ईयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट 40,000 से कम हो जाएगा, मगर फ्यूचर ईयर का जो प्रॉफिट है वो 40,000 से बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा सर? मुझे बताओ, पहले जो तुम्हें डेप्रिशिएट करना था वो 5 सालों से करना था, अब तुम कर रहे हो 4 सालों से, तो इसका मतलब ये है कि ये 40,000 का जो तुम इस दफा ज्यादा हिट ले रहे हो वो अगले सालों में माइट बी इन ईयर 5 ये 40,000 का तुम्हें एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो ये डिस्क्लोजर है, सही है? तुम्हारे पीएनएल में सिर्फ इतना इंपैक्ट आएगा, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं होगा, सही है? पीएनएल में सिर्फ तुम्हारा, हां नेट बेसिस पे तो ईयर 5 पे 80,000 का प्रॉफिट आएगा, इंक्रीज आएगा, ईयर 4 पे अगर 40,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगा, कह सकते हो 80,000 का, बिल्कुल 80,000 का। सर ये देख भी लो, चेंज इन एस्टिमेट इफेक्ट ऑन करंट ईयर प्रॉफिट 40,000 से कम हो रहा है और इफेक्ट ऑन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट 40,000 से बढ़ा, सही है? तो सर ये चेंज इन एस्टिमेट का जो है सिर्फ इतना सा ही है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन प्रोविजन के, जैसे मैं आपको बता दूं प्रोविजन का बातें प्रोविजन आपका 80 से 100 मिलियन हो रहा है, व्हाट यू वुड बी डूइंग? आप 80 मिलियन पिछले सालों के दिखा रहे होंगे कंपैरेटिव में, और इस साल कितना दिखा दोगे? 100 मिलियन दिखा दोगे। आप बेटर प्रेजेंटेशन जाते हो तो आप 80 अलग दिखा दो, 20 अलग दिखा दो, दैट्स इट। आई होप आपको क्लियर है। और चूंकि ये डेप्रिसिएशन नहीं है तो इसका सब्सिक्वेंट ईयर में इम्पैक्ट आएगा भी नहीं, तो इसका ये वाला डिस्क्लोजर जाएगा भी नहीं। आई होप आपको क्लियर है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सर पिछले साल आपका था लेट्स से 80, इस साल आपका मेंटेन होना है लेट से 30, तो आपको कितने से रिवर्स करना है? 50 से रिवर्स करना है, तो आप पिछले सालों का 80 ही दिखाओगे, इस साल से 50 का रिवर्सल दिखा दोगे, दैट्स इट। आप चाहो तो आप बाइफरकेशन करके भी बता सकते हो, क्योंकि इसका अगले सालों के फ्यूचर प्रॉफिट्स में इंपैक्ट नहीं है तो आपकी वाला एक्सपोजर नहीं हो। आई होप आप लोगों को क्लियर। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंट एरिया, रिवर्स पे बात कर लेते हैं। हाँ नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा रुको बताता हूँ, दो तीन चीजें हिट हो रही होती हैं, अभी डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन जो तो बढ़ेंगे उससे हमारा तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट पर आया है सर, हमारा पिछले सालों की बात करें, करंट ईयर में तो ऑब्वियसली आप डेप्रिसिएशन बढ़ाओगे तो आपकी बुक वैल्यू तो कम होगी ना, सही है? अनुषा बेटा आपको लेजिबल है ये चीज? जी सर। चलो सही, ठीक है यार। एरर और अकाउंटिंग पॉलिसी का जो ट्रीटमेंट है ना वो मोर और लेस सेम है, इवन के मैं यहां तक भी बोल दूंगा कि जो मैकेनिक्स तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए अडॉप्ट है वही मैकेनिक्स तुमने एरर्स के लिए अडॉप्ट करनी है, सिर्फ नाम का फर्क कर देना है। वहां आएगा चेंज इन पॉलिसी, यहाँ हो जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सही है? आई होप आपको क्लियर है। जो स्टेप्स में तुम्हें पॉलिसी के चेंज के लिए लिखवाऊंगा वही स्टेप्स में तुम्हें एरर के लिए लिखवा रहा हूँ, सिर्फ नाम का फर्क होगा। बस स्टेप्स अपने जो है वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लेने, क्या क्या करना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, फिर इसके ऊपर हम लोग फर्दर बात कर लेंगे, सही है? हेडिंग डाल लो, ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स आइडेंटिफाइड, ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स इन करंट ईयर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स। ये लिखो ट्रीटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर एरर्स इन करंट ईयर, अंग्रेजी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना,
ट्रीटमेंट ऑफ प्रीवियस एरर्स इन करंट ईयर. अच्छा सर देखो, आपने जो है इधर, यार इधर मुतवज्जे हो जाओ प्लीज, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इधर मुतवज्जे हो जाओ. स्टेप नंबर वन, आपने सबसे पहले बनाना है पीएनएल एसओसीआई. स्टेप नंबर वन लिख लो अपने पास, प्रिपेयर एसओसीआई, ब्रैकेट में लिख दो एक्सट्रैक्ट्स. ये स्टेप नंबर वन है, प्रिपेयर एसओसीआई, ब्रैकेट में लिख दो एक्सट्रैक्ट्स. सही है, लिख लिया, क्लियर है. अच्छा आगे लिख दो, नेवर फॉरगेट टू मेंशन रीस्टेटेड इन कंपैरेटिव ईयर. ये इसी के साथ ही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके मार्क्स. नेवर फॉरगेट टू मेंशन रीस्टेटेड इन प्रीवियस ईयर. मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर ये रीस्टेटेड लिखने की वजह क्या है? अच्छा हमें ये तो पता है ना कि जब भी एरर का आप रेक्टिफिकेशन करते हो करंट ईयर में तो आप रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, ऐसा है या नहीं है? सर वजह क्या है आप पिछले सालों में रीस्टेटेड लिख रहे हो? मुझे बताओ एरर की वजह से, लेट्स से पिछले साल तुम्हारा प्रॉफिट जो था वो शो हुआ था 100 मिलियन का, तुम्हें एरर आइडेंटिफाई हुआ कि यार पिछले सालों में 10 मिलियन का ऐसा एक्सपेंस था जो कि बुक ही नहीं हुआ. मुझे बताओ तुमने पिछले साल प्रॉफिट कितना रिपोर्ट किया था? सुन ना, रीस्टेटेड की वजह बता. इस साल जो तुम इस साल कंपैरेटिव बनाओगे, इस साल जो तुम कंपैरेटिव बनाओगे प्रीवियस ईयर का, उसमें प्रॉफिट कितना शो होगा? 90 मिलियन. तुम्हारा यूजर अगर पिछले साल की फाइनेंशियल देखेगा उसमें आ रहा होगा 100 मिलियन, और अभी की फाइनेंशियल देखेगा तो उसमें जो कंपैरेटिव होगा वो आ रहा होगा 90 मिलियन. तो यही बोलेगा यार ये क्या है. तो जब तुम रीसेट लिखोगे ना तो ही और शी वुड गेट टू नो कि अच्छा यार या तो चेंज इन पॉलिसी हुआ है कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. तो आई होप. अच्छा सर करंट ईयर में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि करंट ईयर कभी भी पिछले साल में पब्लिश हुए ही नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम पब्लिश हो रहा है. अच्छा सर स्टेप नंबर टू, prepare SOCIE bracket open extracts और ए इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन. प्रिपेयर एसओसीआई लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया, एक्सट्रैक्ट्स लिखो और ए इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन और ओनली रिटेन अर्निंग कॉलम. ओनली रिटेन अर्निंग कॉलम, ब्रैकेट क्लोज. एक्सट्रैक्ट्स कोमा इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन और ओनली रिटेन अर्निंग कॉलम. आई होप आप लोगों को क्लियर है सर. अच्छा सर एक्सट्रैक्ट्स कब बनाने होंगे? जब कुछ भी नहीं कहा हुआ, जब बड़ी माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन दी हुई, एक्सट्रैक्ट्स बनाना है. अच्छा देखो एक चीज याद रखो, नॉर्मली जो तुम्हारा चेंज आता है ना वो रिटेन अर्निंग एसओसीआई के, यू नो ना देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल एसओसीआई में तुम्हारा शेयर कैपिटल भी आता है, तुम्हारा रिटेन अर्निंग भी आता है, तुम्हारे रिजर्व्स भी आते हैं, अब तो रिवेल्यूशन सरप्लस भी जो है एसओसीआई का हिस्सा बन गया है. मगर अगर कुछ ना कहा जाए ना तो आपने सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है, या तो फिर सवाल में स्पेसिफिकली बोला गया होगा. नॉर्मली आईकेएफ जो है वो सिर्फ सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनवाता है, बट यू नेवर नो, हो सकता है वो IS-1 टेस्ट कर ले. तो मुझे सारी चीज़ों के लिए तुम लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है? अच्छा सर मैंने ब्रैकेट क्लोज लगवा दिया. अच्छा फॉर द ईयर एंडेड, आगे लिख फॉर द फॉर थ्री इयर्स, ईयर एंडेड काटो फॉर थ्री इयर्स, फॉर थ्री इयर्स ब्रैकेट ओपन,
करंट ईयर, ये बता रहा हूँ तीन साल कौन से होंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओपनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, टेक्निकली प्रीवियस का प्रीवियस ईयर, आई होप आप लोगों को क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज नहीं, अरे बेटा ब्रैकेट तो पहले ही क्लोज कर देना, मैं दोबारा ओपनिंग कर रहा, अच्छा वो फिर खुद ही समझ लो यार, चलो आगे बढ़ो, शाबाश। स्टेप नंबर थ्री प्रिपेयर एरर नोट्स, प्रिपेयर एरर नोट्स या नोट्स ऑन एरर्स शोइंग ए, बुलेट ए, ये इसका सब पॉइंट है, प्रिपेयर एरर नोट्स शोइंग बुलेट ए इंपैक्ट ऑन एसओसीआई इंपैक्ट ऑन एसओसीआई, बुलेट बी इंपैक्ट ऑन एसओएफपी, आई होप आपको क्लियर है, लेट मी वंस अगेन रीइटरेट फॉर ऑल ऑफ यू। स्टेप नंबर वन, आपने सबसे पहले जो है ना एसओसीआई बना लेनी है, पीएनएल बना लेना है, सही है, फिर आपने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो तीन सालों की आपने बनानी है, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस से प्रीवियस ईयर। जल्दी से बताओ एसओसीआई जो शुरू करोगे तुम बनाना, वो करंट ईयर से करोगे या पिछले साल से खींचोगे और इस साल तक लाओगे, आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद क्या बनाना है, एरर के नोट्स बनाने हैं, उसके अंदर दो इंपैक्ट दिखाने, एसओसीआई पे उस एरर की वजह से क्या इंपैक्ट आया और एसओएफपी में क्या इंपैक्ट आया। अच्छा एक चीज में एसओसीआई में तुम्हें लिखवाना भूल गया हूँ, अपने पास कोई नोट डाउन कर लो कि जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर होगा और ओपनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस आएगा ना उसके ऊपर रीस्टेटेड लिखना, लिख लो कहीं छोटा सा एस्टेरिस्क डाल के, वो पीएनएल में लिखवाया एसओसीआई में लिख लो, मेंशन, नेवर फॉरगेट हेलो अरे मुफ्ती के सर, एक्चुअली क्लास मोबी क्लास चल रही है, मेरी बात कॉल करो, ठीक है, तो व्हाट इज फाउंड, नेवर फॉरगेट टू मेंशन रीस्टेटेड इन प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स बैलेंस, ठीक है, जो तुम्हारा बैलेंस आएगा ना उसके आगे तुमने रीस्टेटेड लिखा, बिल्कुल कटेंगे, बिल्कुल कटते हैं, नहीं ना एसओसीआई का तो इंपैक्ट ऑलरेडी एसओसीआई में आ चुका होगा ना, ना जो एरर के नोट्स बनाने हैं वो एसओसीआई के बनाने, पीएनएल जिसको पीएनएल के बनाने और एसओएफपी के बनाने, ठीक है मुन्ना। अच्छा सर लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर फोर, प्रिपेयर एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स एज ऑफ करंट ईयर, एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स और एज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, सॉरी प्रिपेयर एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स और एज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, एज ऑफ, अभी एज ऑफ बनता है ना एसओएफपी के, एज ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, या ये लिखना चाहते हो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर, आई होप आप लोगों को क्लियर है बच्चों। बात करें आगे, जरा एक क्वेश्चन की तस्वीर ले लो शाबाश, ताकि मैं इसको हटा दूंगा, कर दो लैपटॉप खुल जाएगा, ग्रुप पे कैसे डालूंगा,
सर गूगल क्रोम खोलें, web.whatsapp.com खोलें, अभी भाई गेम करेंगे आप गेम करें और बता दें मैंने डाल दिया सर रजा बेटा एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे बेटा अब भाई अनुषा बेटा आवाज आ रही है नहीं आ रही बेटा जी सर आ रही है चलो पढ़ो पढ़ेंगे ना बेटा सवाल पढ़ेंगे ना EVs are emitted from about that following instances were not recognized in the following years. These expenses were payable to fully owned subsidiary who never claimed these amounts in financial extracts, particulars. हमारा जो करंट ईयर है वो कौन सा है 2006 2005 मेरा प्रीवियस ईयर है 2004 जो है उससे पिछला साल है टेक्निकली जो 2004 का क्लोजिंग बैलेंस है वो 2005 का ओपनिंग है सही है सर एक्सपेंस पेएबल्स दिए हुए रिटेन अर्निंग्स दी हुई है टैक्स पेएबल दिया हुआ है एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स अगर मैं बताऊँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है टैक्स रेट एट 30% इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये एक्चुअली इट इज 70% ऑफ योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स राइट तो माशाल्लाह तुम्हें ग्रॉस अप करने आता है सही है 8 लाख को तकसीम करोगे 70 से जरब दोगे 100 से तो यू वुड गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड सेम गोज फॉर 2005 आई होप आपको क्लियर है सर प्रिपेयर एसओसीआई बनाने हैं सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2006 एज पर द लोकल रिक्वायरमेंट एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट बनाने एरर के नोट्स बनाने क्लियर है क्लियर है बोलो ना अक्सा आयशा बेटा पूछो बेटा अच्छा जल्दी से हमें स्टेप्स बता दो कि एरर का सवाल जब भी आए तो हमें क्या क्या स्टेप्स करने जल्दी ये नोट्स में दिखाओगे डिस्क्लोजर्स में दिखाओगे सही एसओएफपी में दिखाओगे तो एसओएफपी के क्वेश्चन में जो भी मांगा होगा उसमें आप करेंगे जबरदस्त अमेजिंग बहुत अच्छे आओ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अच्छा सर ये बातें क्यों हो रही हैं बेटा सर मेरे साथ रहो मेरे लिए 2006 जो है मेरा करंट ईयर है बहुत गौर से सुनना प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू 2001 का जो एक्सपेंस था वो 50,000 था 2002 का 65,000 था 2003 का 80,000 था अच्छा सर आपके लिए जो करंट ईयर है वो 2006 है प्रीवियस ईयर कौन सा है और प्रीवियस का ओपनिंग 2004 अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि सर आप एरर का ऐसे एडजस्टमेंट करोगे एज इफ के वो कभी था ही नहीं तो उसूलन तो आपको 2005, 4, 3, 2, 1 सब के सब फाइनेंशियल्स को रीस्टेट करना था मगर सर आपने तो सिर्फ 3 सालों के करवाए टेक्निकली पिछले 2 सालों के करवाए 1 साल तो ये अभी तो शो ही नहीं हुआ तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो आप जो है ना आप चाहो तो आप सारे सालों के दिखाओ मुझे कोई गम नहीं है स्टैंडर्ड मना नहीं करता मगर आपने ये तो करना है एटलीस्ट 3 सालों के तो आपने करंट ईयर को छोड़ दो तो पिछले 2 साल तो आपने दिखाने ही दिखाने अच्छा सर तो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनका इंपैक्ट कहाँ लेंगे स्टैंडर्ड बोलता है वो जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग होगी ना उसमें एडजस्ट कर देना अगर तुम 2001 2002 और 2003 का जो है एक्सपेंसेस लोगे तो मुझे बताओ रिटेन अर्निंग कम होगी या ज्यादा होगी कम होगी तो स्टैंडर्ड बोलता है ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो तुम्हारे पास आ रही होगी ना उसको कम कर देना ओपनिंग रिटेन अर्निंग से 2 साल की
चार की कम होगी, सही है, तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा रीस्टेटेड बैलेंस आएगा चार का आ जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो, सही है ना? तो आई होप आपको क्लियर है। सिमिलरली अगर जो है तुमने कोई इनकम कम रिकॉर्ड की थी, सही है, तो आप जो जितना शो करें ना जितने साल उसका जो ओपनिंग रेटिंग एंडिंग का बैलेंस होगा उसमें बाकी होगा, एडजस्ट कर देना। अच्छा सर, मूविंग ऑन, मैं सिर्फ एक तुम लोगों को बता देता हूँ कि मैंने टू डेट निकाल लिया है। 2004 का जो है, 2004 तक का जो इम्पैक्ट है वो 281,000 का, सही है। ये मैं कहाँ हिट करूंगा, रिटेन एंडिंग में हिट कर दूंगा, सही है। 2005 का तो मैं पीएनएल बना रहा हूँ, तो वो 2005 के पीएनएल में मैं दिखा दूंगा 371,000। अच्छा, 371,000 से एडजस्ट करूंगा या 371,000 का 70%? 70% लेंगे आफ्टर टैक्स लेंगे, और 2006 में, मैं 2006 में कर दूंगा। अच्छा सर, स्टेप नंबर वन पीएनएल बनाऊंगा, बहुत गौर से देखना। कोई मसला नहीं, अभी मेरी एक मिनट सुन ले। अभी बता, 2005 और 2006 के एक्सपेंसेस कितने हैं? 90,000 और 96,000, ये तो है ना। 2004-3-2-1 को देखेंगे जब एसओसीआई बनाएंगे, अभी हम लोग पीएनएल को देखते हैं। स्टेप नंबर वन, लेट अस प्रिपेयर पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स। सर मुझे बताओ तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ था? कितना दिया हुआ था? 2005 का बताओ। हाथ में जरा कैलकुलेटर ले लो ना, कैलकुलेटर 6 लाख दिया हुआ था, इसको जरा ग्रॉस अप करो, 100% लो, ग्रॉस अप करो, हैं? 8571 एक्सपेंसेस कितने थे? 90,000। ये प्रॉफिट, ये आफ्टर टैक्स है एक्सपेंसेस या बिफोर टैक्स है? बिफोर टैक्स है। 90,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस करो, कितना आएगा? यही बन रहा है। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउ डिड वी अराइव एट 767143? देखो बेटा मैं लिख देता हूँ, सही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट कितना था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ, 6 लाख, 6 लाख था। इसको जरब दिया 70 से, तकसीम किया 70 से, जरब दिया 100 से, तो मेरे पास ओरिजिनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। मगर मुझे पता चला 2005 का एक एक्सपेंस था, कितना था? 90,000। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे मैं इसमें से माइनस 90,000 कर देता हूँ। देखो यही बन रहा है 767143। मानते हो या नहीं मानते? कोई कीड़े कोई फतूर। अब इसके ऊपर 30% का टैक्स लगाता, इतना ही बनता है बेटा, ठीक है। तो मेरे पास रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है 537,000। अरे सर इतनी लंबी क्यों करते हैं? जो 6 लाख था ना उसके अंदर 90,000 का डायरेक्ट 70% लेके माइनस कर देते भाई, नहीं। इट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन, हमें प्रेजेंटेशन भी देनी थी ना, मार्क्स कटेंगे, सही है। क्योंकि देखो अगेन, जब तुम एक्सट्रैक्ट की बात करते हो ना, तो एटलीस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अज्यूमिंग तुम्हारे कोर्स में डेफर्ड टैक्स है, तो यू नीड टू शो ऑल दीस थिंग्स, राइट? आई होप आपको क्लियर है। एक और चीज, जब तक डेफर्ड टैक्स की बातें ना बोली हो तो अपनी तरफ से सोचने मत बैठ जाना कि अरे सर ये तो डेफर्ड टैक्स और टैक्स वाला, सही है, नो नीड टू वरी अबाउट। हाँ सर, अब ये 537 आ गया, अब मैं बताता हूँ ना, आ रहा हूँ ना, एक एक करके, अभी तो 2005 पे हूँ। हाँ, जब तक बोला हुआ ना हो कि, क्योंकि इसमें यहाँ ये भी तो नहीं बोला ना कि टैक्स वाला क्या सोचता है, बाजू का तो हो सकता है टैक्स वाला हमारे हिसाब से ही सोचता हो, तो इट्स बेटर टू अज्यूम कि टैक्स वाला हमारे हिसाब से ही सोचता है, तो नो नीड टू बुक डेफर्ड टैक्स, लिखने की भी जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड, सही है। आई होप 2005 आपको क्लियर है। कोई कीड़े कोई फतूर, आगे बढ़े अक्सा बेटा, क्लियर है? साथ साथ कॉपी, पता है कैलकुलेटर हाथ में रखो तो इंशाल्लाह ये ग्रिप में आएगा, वरना नहीं आएगा। 2006 भी कर लेते हैं, 2006 का बता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 8 लाख डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 माइनस 96,000, कितना आ रहा है? 1046857 ही आ रहा है। इसके ऊपर 30% लगाया तो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आ रहा है। 2006 में रीस्टेट लिखने की जरूरत है,
धीरज 2006 में लिखने की जरूरत है रीस्टेटेड, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सर वो तो कभी पब्लिश ही नहीं हुए, वो तो इस साल पब्लिश हो रहे हैं, ये तो करंट ईयर का है ना। आगे बढ़े यार, अब तो लिख ले यार, अब तो लिख ले मुन्ने। हाँ नहीं नहीं लिखो, अब नहीं भेजूंगा भाई, ये मैं खुद फिजिकली आ गया, ये काफी नहीं है। ये तुम्हारे भले के लिए कसम से लिखा, तो पेन लिया भाई और लिख गया था। आगे बढ़े जल्दी जल्दी यार, टाइम नहीं है, जल्दी करो। शाबाश, एरर मुकाओ, फिर इंशाल्लाह पॉलिसी कल करके इसको निपटाते हैं। ओ भाई आज कुछ एरर के क्वेश्चन भेजूंगा, अल्लाह के वास्ते सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना? जी सर। चलो सही है, हाँ कल है, बिल्कुल है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं फास्ट ट्रैक के बच्चों को ऑफ दे के तुम्हारी क्लास में इसका अटेंड करूँ। हाँ सर सुबह नहीं लगा है सर, 8 से 10 क्लास है ना, 12:06 है अभी, तो मेरी कॉपी कर लो, 12:06 हाँ मेरी कॉपी कर लो, मेरी कॉपी सर आप हमें कैसे लोग हाँ मैं सुबह से तो वैसे ही फारिग, सुबह तो मेरा वो कॉर्पोरेट लेवल पे होता है ना, वो जो ट्रेनिंग चल रही होती है, तो वो मैं फारिग उधर से 3 बजे होता हूँ, तो 3 बजे की बात। हाँ कुछ करते हैं यार, चलो सर स्टेप नंबर 2 हमने क्या लिखा है, चलो यार अब तस्वीरें ले लो सर स्टेप। यार सुन लो भाई, इधर सुन हिजर, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमें स्टार्ट कहां से करना है? जो पिछले से पिछला साल था, मतलब 2004 का क्लोजिंग, मतलब 2005 का ओपनिंग। जल्दी से बताओ 2004 की जो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग थी वो कितनी थी? 900। ये पढ़ने आता है या नहीं पढ़ने आता? 2.6 मिलियन। अच्छा अच्छा बताया था 2.6 मिलियन, सही है, क्लियर है, मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, जबरदस्त। ये तुमने दिखाया ओपनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2004 और 1 जनवरी 2005 2.6 मिलियन तुमने दिखा दिया। अब मुझे बताओ तुमने अपने पीएनएल, जो तुमने पीएनएल बनाया है वो 5 का बनाया है, 6 का बनाया है, या दोनों का बनाया है, या 4 का भी बनाया? आपने 5 और 6 का बनाया है सर, 2004 का नहीं बनाया है। तो 2004 तक जितने भी क्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसको तुम इस रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर देना। सर 2004 तक कितने एक्सपेंसेस हैं? सर 2001 का 50, 2002 का 65, 2003 का 80, 2004 का 86,000। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सर, जितने सालों का पीएनएल नहीं दिखाया ना उतने सालों का जितना उसको रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर देना। बिल्कुल, टोटल कितना बन रहा है? 281,000। अच्छा रिटेन अर्निंग में आफ्टर टैक्स ले जाते हो बिफोर टैक्स ले जाते हो? आफ्टर टैक्स। तो 286,000 का 70% लो कितना होता है? 281,000 का, आई एम सॉरी 281,000, 70% लो एमएफ कितना होता है? 196,700। हां एक ही बात है ना, सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा है कि 1 जनवरी 2005 को 31 दिसंबर 2004 भी बोलते हैं, ताकि बच्चा है ना मासूम, कितना इससे तुम्हारा रिटेन अर्निंग कम होगी बढ़ेगी? कम होगी। तो देखो तुमने ये ओपनिंग बैलेंस दिखाया, तुमने करेक्शन ऑफ एरर्स एक एडजस्टमेंट की 196,700 से, तो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस जो है रीस्टेटेड कौन सा आ गया? 1 जनवरी 2005 का।
क्लियर है, आगे बढ़े। तूने कॉपी नहीं किया, कर लेना। आगे बढ़े। नाउ यू कैन लिंक के सर 2004 का जो रिटेन अर्निंग था वो 2.6 मिलियन उसके अकाउंट्स में शो हुआ होगा, जबकि अभी तुम शो करोगे 2004 का बैलेंस 2403, तो ऑब्वियसली यू नीड टू मेंशन रीस्टेटेड सो दैट यूजर कैन कंपेयर कि अच्छा यार ये डिफरेंट फिगर्स क्यों आ रही हैं। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूँ, एक दफ़ा मेरी सुन लो ना, पहले एसओसीआई पूरा ख़त्म ये कर लें फिर छापते रहना, स्क्रीन नहीं हटा रहा, इधर ही रहने दे रहा, पहले सुन लो सही है। अच्छा मुझे बताओ प्रॉफिट 2005 ये कहाँ से आएगा जो नीचे पीएनएल बनाया था, तभी मैंने पहले स्टेप में एसओसीआई बनवाया था। हाँ किसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि तुम वो पीएनएल में लिख चुकी हो तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता क्लोजिंग बैलेंस पे जरूर लिखना। सही है सर, ये 2005 का रीस्टेटेड प्रॉफिट आएगा तो क्लोजिंग रीस्टेटेड 2005 का 2940 आ जाएगा। हाँ ये क्लोजिंग रीस्टेटेड 2005 बोल दो या तुम्हारा ओपनिंग 1 जनवरी 2006, मानते हो या नहीं मानते। अच्छा प्रॉफिट 2006 ये तो करंट ईयर का ही है तो क्लोजिंग बैलेंस 2006, मानते हो या नहीं मानते, इधर रीस्टेटेड लिखने की जरूरत है 2006 में, ये तो करंट ईयर ही है। अब कॉपी कर लो, जब यहाँ से यहाँ पे कर जानी है तो बेटर के पहले होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर टू क्या था अहमद, स्टेप नंबर थ्री क्या था, एरर के नोट्स बनाने। एरर के नोट्स में आप क्या दिखाओगे, इंपैक्ट बताओगे एरर का ऑन एसओसीआई एंड एसओएफपी। ये कल करें, कल करते हैं, कल करते हैं। मसला ये मैं बता दूं, मैंने तो अपना दिल की बात तुम्हें बताई, मगर मसला ये वो छोटा बच्चा एक घंटे से इंतजार कर रहा है, असल में इनकी क्लास ही 4 बजे से, तो मैंने जानबूझ के जो है 1 घंटा डिले किया है, या फिर बिना वो 1 घंटे का गैप आता है ना तो फिर उधर उधर। हाँ जी बोला, कोई जग वग ला देना पानी का, फिर तू चला जा, घर चला जा, फिर ये ले मरेगी नहीं इसको। अच्छा हाँ दिल से नहीं बने, वो बना के ले, हाँ ग्रीन टी बना के ले। हाँ क्लास ऑफ हो गई या है, हाँ।